भारत यूके टेक समिट में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन प्रकाश हिंदुजा ने कहा कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। हिंदुजा के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्रकाश हिंदुजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। सर, आज इंडिया एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया, बायलैटरल रिलेशंस पे काफी जोर दिया है, इसको बिजनेस कम्युनिटी किस तरीके से आप लोग देखते हैं? वेल, इट इज अगेन क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, हाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी डन। अभी जैसे फ्री ट्रेड के बारे में प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने कहा है, दैट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। यू नो, अगर वो चीज़ को आदमी फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, देन ओनली थिंग्स कैन ब्रिंग रिजल्ट्स। अभी लोग, देर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस टेक प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन इज अ की पॉइंट। और एचसीसी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने कहा कि यूके के साथ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ तेजी से मेक इन इंडिया करना है, सर्विसेज बढ़ाने हैं, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है और दुनिया से हमारा ट्रेड बढ़ाना है। ये यही बात है। और ट्रेड अभी सिर्फ कोई अपना गेहूँ बेचो और ये लाओ, ये ऐसे नहीं है। ये टेक्नोलॉजी एरिया में भी ट्रेड हो सकती है, सॉफ्टवेयर में भी ट्रेड हो सकती है। काफ़ी एरियाज हैं जिसमें ये कोऑपरेशन करके दोनों देशों को एक बढ़ती मिले और अपने दोनों देशों की समृद्धि के लिए किए ये किया जा रहा है।